बिग बॉस ओटीटी 3 में ब्लॉगर अरमान मलिक अपनी दो बीवियों के साथ आए हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी गृहस्थी में आग लगाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल अरमान की पत्नियां पायल और कृतिका घर के लोगों के बारे में अपनी कहानी सुना रही थी। इसी बीच एक क्लिप वायरल है जिसमें पायल धोखे के नाम पर रोती दिख रही हैं। इस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बिग बॉस ने बुलाकर ठीक नहीं किया। बिग बॉस ओटीटी की एक एपिसोड काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पायल ये कहती दिख रही हैं कि उन्होंने जलन होती थी कि उनका पति किसी और के साथ सो रहा है। कृतिका बोलती हैं कि एक दिन मैं बाहर थी और ये लोग साथ में थे। इन्होंने कहा होगा कि शादी करते हैं, उसने भी कह करते हैं। फिर मेरे पास फोन आया कि पायल एक खुशखबरी देनी है। मैं उनकी हर चीज समझ जाती थी, इसलिए मैंने कहा तुमने शादी कर ली क्या। पायल से पूछने गया कि उन्हें ये नहीं लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, आपकी बेस्ट फ्रेंड होकर आपके साथ धोखा हुआ है। इस पर पायल बोलती हैं कि उस वक्त समझ ही नहीं आया था, मैं महसूस ही नहीं कर पाई थी कि मैं किसको बोलूं, मैं इनको भी क्या ही बोलूं, मुझे लग रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है। इनको भी लगा कि इसने मंजूरी दे दी है, उस टाइम मैं भी नहीं बोल पाई थी। मुझे उसी टाइम कह देना चाहिए था कि क्या तुम पागल हो गए हो, गलती मेरी भी है, मैं एक्सप्रेस करने में देरी लगा गई। उसके बाद इनकी शादी हो गई। पायल बोली इनके फेरे हो रहे थे तो मैं अपने घर चली गई। मैंने बोला कि मैं चीकू को लेकर घर जा रही हूँ, इसीलिए मैंने इनके फेरे वगैरह कुछ नहीं देखे। शादी के 15 दिनों के बाद ही हमारे घर में लड़ाइयाँ होने लगी थी और मुझे जलन होने लगी थी कि ये मेरे पति के साथ क्यों रहती है। इस सब को बताकर पायल खूब रोने लगी तो अरमान उन्हें चुप कराने आए और बोले कि अब तो 7 साल हो गए हैं, अब तो भूल जाओ। इसी बात पर कृतिका बोली कि पायल हर बार ये कहानी सुनाकर रोने लगती हैं। फिर अरमान उन्हें चुप कराते हैं और फिर यही कहते हैं कि पायल का दिल कितना बड़ा है। इस वीडियो पर काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि दोनों ही अपना अपना दर्द छिपा रही हैं, बिग बॉस को इन्हें नहीं बुलाना चाहिए था, टीआरपी के लिए रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया। एक कमेंट में तो ये तक लिखा था कि दोनों धोखेबाज कितने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, ऐसे पति और दोस्त तो दुश्मन को भी नहीं मिलने चाहिए। कई लोगों ने अरमान और कृतिका के लिए हेट कमेंट्स भी लिखे हैं।